कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने 27,68,00,000 की लागत से बनने वाले कांडा क्षेत्र की सड़कों तथा टैक्सी स्टैंड के निर्माण का भूमि पूजन किया है। यहां बता दें कि कांडा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक सड़कों में सुधारीकरण तथा डामरीकरण का कार्य होना है, साथ ही टैक्सी स्टैंड के निर्माण की प्रक्रिया को भी विधायक ने शुरू कराया है। कांडा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक ने भूमि पूजन कर कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। आज कांडा संगीत अवस्थित बासपठान मोटम मार्ग का शुद्धिकरण और डामीकरण का उद्घाटन हुआ है, जिसे माननीय विधायक की अध्यक्षता में हुआ है। ये कांडा संगीत अवस्थित यहाँ की बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है। ये कांडा से बासपठान को जोड़ती है। ये कहा जाए कि ये कांडा की लाइफलाइन है तो गलत नहीं होगा। ये 24 करोड़ का इसका उद्घाटन हो रखा है। इसके 24 करोड़ में इसमें टिकट कटी है और BMHDPC है, नाली है, दीवारें हैं, पैरापिट है और रोड सेफ्टी के आइटम्स हैं। इसके अलावा एक हमारी खातेगांव मोटर रोड है 2 किलोमीटर, उसका भी 1.13 करोड़ का उद्घाटन हो रखा है। इसमें ये पहले से पूर्व निर्मित रोड है, इसमें जाने का कार्य है। इसी प्रकार कांडा मंतोली 1.5 किलोमीटर रोड है, इसकी 1.17 करोड़ का इसका भी उद्घाटन हुआ है, इसमें भी डामी का होना है। इसके अलावा ये नरगोली सुनार भंडारी सेरा जगूरा भाष है, ये टोटल लंबाई इसकी 5 किलोमीटर है। ये नई रोड बनी है 1.33 करोड़, इस प्रकार को 27.68 करोड़ का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर कार्य शुरू हुआ है। आज कांडा श्यानी उजियार राउत सेना मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से 29 व 38 से लेके 40 में सुधारीकरण सुधारीकरण का कार्य, लंबाई 31.266 किलोमीटर और लागत है इसकी 24,04,00,000। और कांडा श्यानी उडियार राउत सेरा मोटर मार्ग से खाती गांव लिंक मोटर मार्ग में पुनर्निर्माण का ये सुधारीकरण का काम होना है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और इसकी लागत 1,13,38,000 रुपया है। कांडा तीसरी सड़क है, कांडा मंतोली मोटर मार्ग के अवशेष भाग में डामरीकरण का काम है और इसकी लंबाई 1.545 किलोमीटर, इसकी लागत है 1,17,65,000 रुपया। और नरगोरी सिमायल भंडारी सेदा सलिया जगुड़ा बास मोटर मार्ग का निर्माण भी होना है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, इसकी लागत 1,33,65,000 है। टोटल 27,68,00,000 रुपये की योजनाओं का आज भूमि पूजन किया गया है, जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और इस क्षेत्र के अंदर ये सबसे, इस क्षेत्र ही नहीं पूरे बागेश्वर जिले के अंदर ये सबसे बड़ी लागत वाली सड़क है जो 24 करोड़ से बननी है। तो इसलिए कांडा कमशार के लिए बहुत सौभाग्य का समय है, बहुत अच्छा दिन है कि जो गांव के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी, उस मांग को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हमको ये योजना मिली है और बहुत कम समय में हम इस सड़क को पूरा करने का जो हमने लक्ष्य रखा है वो तय समय को पूरा हो, उसके लिए लगातार समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों के साथ बैठकर जनता से संवाद करके इस सड़क को बहुत जल्दी निर्माण कराया जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।